एक आदमी को अगर आप राम के काम में लगा दोगे, राम की कथा के अंदर लगा दोगे, तो 10,000 यज्ञ करने का आपको फल मिलेगा। पूज्य पिताजी ने हमें अंतिम समय में एक जीवन का सूत्र दिया कि हमें अपने जीवन को अगर साकार करना है तो हमें राम जी का काम करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद की वो बात हमें याद आई, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया और मैं एक एनजीओ में गई थी जॉब के लिए। जॉब वहाँ पर बोला गया कि आप प्लम्बिंग का ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको इधर कंपनी में, कंपनी से हमको इसी में पाइपलाइन का काम करना है। इस प्रकार कंपनी को थैंक यू, बहुत बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। पिछले साल हमने स्कूलों के माध्यम से बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उनको फीस मुहैया करा करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमने पूरा करने का प्रयास किया। स्किपर फाउंडेशन ने अपने सेवा यात्रा के केंद्र में बेटियों को शिक्षित कर समाज से अशिक्षा को दूर करने का जो उपक्रम हाथ में लिया है वह स्तुत्य है। एक समय की बात है जब बेटियों को सिर्फ घर के कामकाज के लायक समझा जाता था, उन्हें अधिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके पीछे तर्क था कि बेटे रोजगार करेंगे और बेटियां घर संभालेंगी, लेकिन 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और बेटियां आज बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अंत में मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम देश और समाज की अखंडता और एकता के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहें।